हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज मेरे घर है कथा और मैंने कुछ ये साड़ी वेयर की है। कैसे लग रही हूँ मैं? सिंपल से, क्योंकि बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और पीछे इग्नोर करना ये सारा सामान, क्योंकि झटपट झटपट मैंने तैयारी की है, अपने बाल थोड़े स्ट्रेट किए हैं और बस ये लुक है मेरा। बहुत कुछ मेकअप किया नहीं है मैंने, गले में भी कुछ नहीं पहना, हाथों में भी कुछ नहीं पहना। ये कड़ा है सिल्वर का, बस वही पहना है क्योंकि बहुत गर्मी है। शायद मैं बाल भी नहीं खुले रखूं, बस ये पूजा हो जाए उसके बाद बंद करके मैं बैठ जाऊंगी। क्योंकि मेरी मम्मी आई है और उन्होंने कथा की है, यानी मेरी डॉटर जो 10th में है वो पास हो चुकी, तो उसकी खुशी में उन्होंने कथा रखवाई है। सब मेरी मम्मी की तरफ से है, मेरा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो बस वो पूजा कथा के लिए आई है स्पेशली यहाँ सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद। बस वो आज कथा ख़त्म हो जाएगी तो कल वो निकल जाएगी, और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी सत्यनारायण भगवान के। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। बस मैं ये ऊपर ऐसे चल रहा है और मैं नीचे बैठ गई हूँ, और ये तोरण हमने अपने हाथों से बनाया है। ये अभी तक पंडित जी नहीं आए, जब पंडित जी आएंगे तब पूजा स्टार्ट करेंगे और फिर एसी बंद हो जाएगा, पंखा भी बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ चालू नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और ये देखो, बेटी को तो फ़ोन मिल गया है, मेरी बेटी को तो बस फ़ोन चलाएंगी अभी। क्या मैं बात करूँ आपसे, ठीक है। और आज हमारा उपवास था तो मम्मी ने बनाई थी फराली भाकरी, तो वो फराली भाकरी मैंने खाई है सुबह से लेके अभी तक। फिर डिनर करेंगे, खाना पूजा होने के बाद हम खाएंगे, ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड। और ये मेरी बेटी कुछ ना कुछ खाती रहती है, उसका तो अच्छा है, इसका भी अच्छा है। और फ्रेंड्स, मेरी मम्मी चेक कर रही है कि सभी सामान आ चुका है ना, वो सारा सामान सुरेंद्र नगर से लेके आई थी फ्रेंड्स। ये सब सामान, ये बाजोट भी सुरेंद्र नगर से मम्मी लेके आई थी जी। जो एसी में बैठे हैं वो भी पूजा में बैठेंगे। ये रही मेरी डॉटर, और ये आसो बालों के पान है गाइस, और हमने खुद ही बनाया है इसका तोरण, हमने खुद ही बनाया है हाथों से, अपने हाथों से। नीचे सोई पड़ी है हमारी लड़की, देखो गाइस सोई पड़ी है हमारी लड़की। फ्रेंड्स, ये है ना केले के पान होते हैं, सत्यनारायण कथा में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरी मम्मी सुरेंद्र नगर से सारी चीज़ें सुरेंद्र नगर से वो खरीद के लेके आई है, और ये पंडित जी ने मेरे को बोला था कि भाई सपोर्ट करने के लिए आ जाओ, तो मैंने उनकी हेल्प करवाई थी। ये पंडित जी सारा पूजा का सामान निकाल रहे हैं, और ये कथा है ना सत्यनारायण कथा, वो मेरी मम्मी ने रखी थी मेरे घर पे, क्योंकि मेरी बेटी का रिज़ल्ट आ गया था और अच्छा आया था, पास हो गई थी, रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो इसीलिए मम्मी ने ऐसा बोला था कि अगर मेरी बेटी का बेटी की रिज़ल्ट अच्छा आए तो मैं पूजा करवाऊंगी, कथा करवाऊंगी अपनी बेटी के घर, और पूजा में उसकी बेटी को बिठाऊंगी इसीलिए। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कन्नू जी, और ये भगवान जी सब मेरे घर पधारे हैं। थैंक गॉड, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अपना बच्चा अच्छा करे। यहाँ पे मेरी बेटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि बेटा तुम भी पूजा में बैठ जाओ,
वरना जनरली हस्बैंड वाइफ होते हैं वही पूजा में बैठते हैं, लेकिन पंडित जी ने ऐसा बोला कि बेटा तुम बैठ जाओ, तुम्हारे संकल्प के लिए पूजा की गई है ना तुम्हारी नानी ने, इसीलिए आप बैठो पूजा में। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा करवाई थी गाइस, बहुत अच्छी पूजा करवाई थी। महादेव हो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोकदय शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति। थोड़ा सा पंखा को पंखा बंद कर, पहले पंखा बंद कर दे बेटा। ओम हरि ओम मा दीपो ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति। बोलो ऐसे हाथ पे उसको भी हाथ बोलो भाई जी मुठा में जो पड़ो सही है सही। हाथ में संकल्प लेकर के ऐसा प्राण करे कि जी दीपक कैसा दीपक है पता है, खुद जलता है और हमको क्या प्रकाश देता है। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि जो जलता है ना उसका निखार आता है, खुद जल रहा है ना इसके हमको प्रकाश मिलता है, इसलिए हमारे अंदर से जो भी बुराई हो ना उसको अच्छाई बदल दे, ये हमको सीख मिलता है। इसलिए भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे कर्म साक्षी होता है, जो हम पूजा पाठ करते हैं ना आज की कितनी बड़ी सद्भाग्य कि आपके माध्यम से भगवान की पूजा होने जा रही है। माध्यम कौन हो आपकी, उनकी मम्मी जी ठीक है, उनका भी धन्यवाद। तो भगवान का सन्निधि मान करके प्रणाम करके ओम बोले ओम दीप नारायणाय नमः। ठीक इसको जाके अपने क्योंकि यहाँ पे रहेगा नहीं मंदिर में। स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो हरिश्चनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वमरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधेजुम्यः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रसेवाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो हरिश्चनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वमरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे सुमः। अग्निजिह्वा मनवः सूरदचसो विश्वे नो देवा अभिसागमन्निः भद्रं गणैः शृणुयाम देवा। ओम हरि ओम आग्नेय जगमेदंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः तन्नः देहनागम महिमानं पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः। हरि ओम जगावनन्दक्षायरा हिरण्यगम। और यहाँ पे पंडित जी बहुत अच्छा समझा रहे थे मेरी बेटी को, बहुत अच्छा समझा रहे थे उसको। एज अ पेरेंट्स हमें ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो हमें भगवान का पहले शुक्रिया करना चाहिए कि आपने हमें इस काबिल बनाया और आपने हमारा साथ दिया। तो मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाना चाहती हूँ कि आप भी भगवान का आशीर्वाद लो। कि हम मतलब पूजा हमारी माता ने इतना बड़ा किया तो हम एक संकल्प ले लें और हमारा संकल्प पूरा भी होना चाहिए ठीक। यहाँ पे 100 रुपए रख दीजिएगा सरकार। इदम अहम चा करिष्ये। गणेश जी महाराज उनकी पत्नी का नाम क्या है, प्रीति सेठी। क्या नाम है, प्रीति सेठी। उनके पुत्र का क्या नाम है, शुभ और लाभ। दीपावली में लिखते हैं ना दरवाजों क्या लिखते हैं, शुभ लाभ। ये जानकारी पढ़ाई नहीं जाती पर बड़ों के पास इसीलिए बैठते हैं कि बड़ों के पास बैठो तो कुछ ना कुछ सीख मिलेगी ही मिलेगी, गलत तो चीज सिखाएंगे नहीं। माता पिता के पास सुश्री श्री गणेशाय नमः। श्री मंगल मूर्तये नमः। श्री विघ्न विराजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निग्रिम गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव जायाश पुरुषा पादोश भूतानि त्रिपादश्याम मृतं दिवि पाद्यो पाद्यं समर्पयामि सुदेखो पयो दिव्यांतरिचे पयोधाः पयसु देहे सन्तु मह्यम् मा। ओम दधिक्रामणो अकारिखं जिष्णोरसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखगुं तारिखत
ओम घृतम घृत भावानम वसा वसा पावानः पिबदंत मधुवाता रिताये मधुचरन्ति सिन्धवा माध्विन्ना सन्तो गतिमत्मार्थ गुंग्रजा मधुदेवरस्तु ना। गाइस ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो फिर उसका नेक्स्ट पार्ट मैं सेकंड ब्लॉग में ज़रूर डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।